सो दिस शोरूम इज़ वेरी स्पेशल टू मी बाय बिकॉज यहाँ से 2022 चल रहा, 10 साल पहले मैंने यहाँ से अपनी पहली बाइक थंडरबर्ड ली थी. नहीं, बाइक पहली नहीं थी बट पहला बुलेट बुलेट ही होता. सो दिस इज सेम डीलरशिप इन लुधियाना, बरनाला ऑटोमोबाइल्स. एंड अनदर रीज़न वाई दिस बाइक इज़ सो एक्साइटिंग फॉर मी इज़ द रीज़न वाई थंडरबर्ड के बाद मैंने दोबारा एनफील्ड नहीं लिया इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड अ लाइटर बाइक, आई वॉन्टेड अ निम्बल बाइक. थंडरबर्ड से मुझे रिलाइज हुआ कि यार कि मैं तो अचानक ही जवानी में बुढ़ा हो गया बिकॉज इट वॉज अ क्रूजर, इट शोड टूरिंग कम्फर्ट एंड एवरी थिंग दैट इज वॉट आई डिज़ायर्ड फॉर ऑल्सो. बट आई रियलाइज कि फन तो नेकेड बाइक्स में आता है बट नेकेड बाइक्स में वो थंप नहीं होती, वो मज़ा नहीं होता, उतनी माचोनेस नहीं होती. सो देन केम दीज काइंड ऑफ रेट्रो बाइक्स जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगने लगी एंड फाइनली एनफील्ड हैज़ बिल्ट इट. स्क्रैम्बलर नाम पे इन्होंने एक हिमालयन का जो जुगाड़ बनाया है वो ऑब्वियसली उसको नाम उसको कुछ और देना चाहिए था बट आई थिंक दिस इज़ द रियल थिंग जो स्क्रैम्बलर के सबसे क्लोज है. वन थिंग दैट गिव्स यू फ्रीडम, दैट कैन गिव यू निम्बलनेस, दैट कैन गिव यू फन, दैट कैन गिव यू दैट लाइटनेस एंड दैट कैन गिव यू द रॉयल एनफील्ड फील एज वेल. सो स्पेसिफिकेशन इसकी सेम एज मीटियोर, इनकी इस इंजन की, मीटियोर वाला इंजन मैंने ड्राइव करा था, इस इंजन की टॉर्क ज़्यादा है और रिफाइंड बहुत ज़्यादा है. सो वैन आई ड्रोव द न्यू 350cc इंजन इन द मीटियोर आई रियलाइज कि पुराने थंडरबर्ड के कंपैरेटिवली कि बॉडी के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती, आपको सिर्फ कानों में थंप सुनती है, बॉडी पे थंप फील ही नहीं होती है, इतना रिफाइंड बना दिया इन्होंने. और आपके साथ मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ सो आई एम ऑल्सो टेकिंग सम टाइम टू सीप इट एंड एब्जॉर्ब इट. सो ये वाला जो एसेसरीज हैं, ये सेटअप है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जब एनफील्ड का बिल्कुल लॉन्च हुआ था, सॉरी थंडर का लॉन्च हुआ था. सो मैट ग्रे शेड में विद दिस और आई थिंक इनकी सीट में भी काफ़ी एसेसरीज हैं, तो एक सीट स्पेशल उठी हुई सी वो टोटल सेटअप बहुत सुंदर लगता है. सो इसके दो वेरियंट्स हैं, इसके अंदर ड्रम ब्रेक है विच इज़ द बिग बमर फॉर मी. सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई थिंक सबको यही लेना चाहिए बिकॉज डिस्क होनी बड़ी जरूरी है आज की डेट में. नो डाउट इसकी ड्रम भी मेरे को बहुत बड़ी लग रही है बट एक फील ही अलग होती है. और उसके अलावा बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फ़र्क था कि इसके इंडिकेटर्स में दोनों में डिफरेंस था. हेडलाइट आई थिंक सेम है, इंडिकेटर पीछे उसके थोड़े वो हैं, क्या नाम है, जैसे ये फ्लैट वाले हैं, अलॉयज नहीं है, स्पोक्स हैं उसमें अलॉयज हैं विद द बिग थिंग. बट आई थिंक एनी डे दिस लुक्स मच 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 बेटर. एक ऑप्शनल नेविगेशन का इनका जुगाड़ है जो मीटियोर पे भी आता था वो है. सो दीज थिंग लेटर ऑन, लेट अस जस्ट गेट ऑन एंड ड्राइव दिस बाइक. सो शायद आई डोंट नो ये माइक कितना अच्छा पिक कर सकता है बट द गुड थिंग इज रॉयल एनफील्ड थंप इसमें प्रॉपर है और ये एक चीज़ है जो बाकी सारे बाइक में मिसिंग है. तो यदि भी जो रोडस्टर मुझे चला के इतना मज़ा आया था, डेफिनेटली इसमें वो एनफील्ड की क्लासिक फील नहीं थी. तो आज तक एनफील्ड इसके जितना सारा दिखता है कि जो इसके इंजन की थंप है वो अब तक कोई और कंपनी नहीं बना पाई. सो फाइनली आई स्टार्टेड द ड्राइव एंड फॉर सम ऑड रीज़न मेरे मुँह वाला माइक नहीं सही से चला था. सो दिस इज़ जस्ट मी जो बाद में ऑडियो बता रहा है बट इस पूरी वीडियो में, ये जो पूरी ड्राइव है अगले 10 मिनट की, इस पूरी ड्राइव में मैं चिल्लाता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ खुशी से. आई वाज सो एक्साइटेड एंड दिस वाज सच अ गुड ड्राइव एंड सच अ गुड एक्सपीरियंस. कम से कम घंटा डेढ़ मैंने बाइक अपने पास रखा एंड दिस इज द लास्ट 10 मिनट्स व्हेन गोइंग बैक एंड दिस इज, और मैं लास्ट वाले 10-15 मिनट की वीडियो ज़्यादा अच्छे से बनाता हूँ बिकॉज पहले काफ़ी टाइम आपको कंफर्टेबल होने में लग जाता है, काफ़ी टाइम आप यूज्ड होने में लग जाता है. तो कुछ बेसिक्स आपको पहले बता देता हूँ. तो इस वीडियो में मैं इसको भगा रहा हूँ कुत्तों की तरह, शहर के अंदर ट्रैफिक से भी भगा रहा हूँ, ख़राब रास्ता देख के वो भी भगा रहा हूँ. और कुछ बड़ी क्विक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ कि इस बाइक के टायर्स काफ़ी चौड़े हैं. सो इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू द साइज़, फ्रंट इसका 17 इंच है और अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द बाइक इसको काफ़ी सॉलिड टायर्स दिए हुए हैं. और क्योंकि इसकी हाइट कम है, सीट हाइट भी कम है इस बाइक की, तो आप इस पर बहुत ग्रिप करके बैठते हो और आपके पैर पूरे लग जाते हैं. तो मेरी 5'6" हाइट है विच इज़ एन एवरेज इंडियन हाइट और मेरे नॉर्मली बहुत रेयर बाइक्स हैं जिन पे मेरे पैर पूरे नीचे लगते हैं, थोड़े से तो उठा ही होता है बंदा, बट इस पे ऑलमोस्ट पूरे पैर नीचे लग रहे थे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है. इट्स लाइक कि आप स्विमिंग उस स्विमिंग पूल में ज़्यादा अच्छे सीख पाते हो जहाँ पर आपके पैर नीचे लग रहे हो. सो व्हेन यू हैव दिस सेफ्टी यार कि अगर कभी थोड़ा सा मैं कट गलत काट रहा हूँ या शहर में इधर उधर लेके जा रहा हूँ तो जमीन आसमान का कॉन्फिडेंस का डिफरेंस पड़ जाता है ओनली विद दिस कि आपके पैर पूरे लग रहे हैं, कि आप पैरों से भी बाइक को आराम से, कि बाइक आपका गलती से भी गिरेगा नहीं. तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था नंबर वन. नंबर टू, रॉयल एनफील्ड ने क्लियरली ये बाइक भगाने के लिए बनाई है और उसके दो चार कारण ये बताता हूँ. एक, जो ग्रिपी टायर्स हैं. दूसरा, इसकी सस्पेंशन स्टिफ है. तो जितना आपने अगर बुलेट क्लासिक चलाया या बुलेट स्टैंडर्ड चलाया, आप देखोगे उनकी सस्पेंशन इतनी सॉफ्ट है और अगर आप किसी भी ख़राब सड़क से निकलोगे आपको फील भी नहीं होगा, वो इतने प्यार से निकल जाते हैं. बट द मोमेंट आप उसको 80 से ज़्यादा भगाने की ट्राई करते हो, दिस इज़ मी ट्राइंग द थ्रॉटल रिस्पॉन्स,
80 से ज़्यादा बहाने की ट्राई करते हो और आपको थोड़ा रेस्ट लाने की ट्राई करते हो तो वो आपको बिल्कुल फीडबैक नहीं देता। सो ये जो मैं यहाँ पे ट्राई करने लगा, ये बड़ी ही मज़ेदार चीज़ थी। सो आई हैव ड्रिवन अ थंडरबर्ड फॉर मोर देन 30-40,000 किलोमीटर्स। मेरे पास आज भी वो थंडरबर्ड है 2014 वाला। सो वॉट आई एम ट्राइंग हेयर इज, देखो मैंने थोड़ा सा बाइक नीचे उतार लिया। वॉट आई एम ट्राइंग हेयर इज कि किसी भी बुलेट में, या एनफील्ड क्लासिक हो या स्टैंडर्ड हो या थंडरबर्ड हो, किसी भी बुलेट में अगर आपका बाइक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया या थोड़ा सा बाइक आपका नीचे की तरफ घुस गया है, आप उसको बैठे बैठे कभी भी पीछे नहीं कर पाते थे। चाहे आप थंडरबर्ड पे नीचे बैठे हो, चाहे आप बुलेट स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ऊपर उठ के बैठे हुए हो, बट इट वॉज सो हार्ड टू एक्चुअली पुल द बाइक योर सेल्फ। ये जिनके पास बुलेट रहा है वो समझ सकते हैं कि अगर बुलेट पंचर हो जाए, आपको बुलेट आगे पीछे करना पड़े, पहाड़ों पे गलती से आपसे गिर जाए, तो उसको उठाना सबसे मुश्किल काम है। सो आई कुड डू दिस सो ईजिली ऑन दिस। इतना ही ईजी टू राइड और इतना ही निम्बल सा बाइक इन्होंने बनाया, जो बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन था। बिकॉज इसकी जो थंप है वो प्रॉपर एनफील्ड वाली है, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि आपको एनफील्ड वाला मज़ा नहीं आ रहा। प्रॉपर थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, प्रॉपर आवाज़ है और प्रॉपर ही वैसी वाइब्रेशन है जो आपको एनफील्ड में पसंद है। आई बिलीव कि मिटियोर शायद इससे ज़्यादा रिफाइंड था, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मिटियोर की पूरी, मतलब आपको जब आप एनफील्ड चलाते हो आपको बॉडी के अंदर भी एक धम 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 वाला मज़ा चाहिए होता है, और ये उसके अंदर पूरा था। तो बड़ा ही अलग सा कॉम्बिनेशन है वेयर दिस बाइक, ये थोड़ा सा आई हैव मेड अ स्मॉल जंप एंड सी हाउ आई एम ड्राइविंग। अगर ये इसके ऑडियो आपको सुनता पूरा प्रॉपर, क्योंकि गोप्रो वाले में थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज़ें आ रही थी, मैं पूरा चीख चिला के इतने मज़े से फुल थ्रॉटल में मैंने बाइक भगाई है। सो आगे जाके मैं अब गाड़ियों के बीच में सड़कों के अंदर काफ़ी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट लाने वाला हूँ। दिस वॉज द ओपन रोड जहाँ पर मैंने पूरा इसको मैक्स आउट स्ट्रेच करा। सो वन थिंग इज़ कि एक जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फील है कि आप बैठते ऐसे हो जैसे आप किसी FZ वाले या मैं FZ पे जैसे बैठे हो, आपको कॉन्फिडेंस वैसे बाइक है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास ज़्यादा पावर और पूरी माचो थंप है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये कॉम्बिनेशन से आने का। बिकॉज नॉर्मली जो ऐसे के बाइक्स हैं, अगर हम JZD की बात भी करें, कोई और बात भी, होंडा की बात भी करें, CB350 की, वो सारे मतलब रिफाइंड ज़्यादा है, उनकी आवाज़ है, बट बाइक के अंदर वो थंप वाली वाइब्रेशन नहीं है जो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड बुलेट की है। तो इसके अंदर वो स्टैंडर्ड बुलेट वाली रॉ फील है, बट आपका चलाने का मज़ा, चलाने का कंफर्ट, बॉडी का कॉन्फिडेंस, आपका एक स्ट्रीट कम्यूटर या एक स्पोर्ट्स कम्यूटर वाला रेट्रो बाइक वाला बना हुआ। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली लर्न्ड। एंड नंबर टू, समहाउ आपकी पीठ और हाथ सब कुछ इतने कंफर्टेबल हैं एंड यू फील सो कंफर्टेबल इन द होल राइडिंग पोजिशन, और आपको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टॉल बैठा हूँ। वो भी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज जिन बाइक पर थोड़ा सा झुके होते हैं, स्पोर्ट्स कम्यूटर थोड़ा सा झुके होते हो, यू डू नॉट गेट दैट फील कि हाँ यार, कि जब तक आपकी छाती चौड़ी नहीं होती एक बुलेट पे, तब तक आपको मज़ा नहीं आता। अब देखो उसको खड़े होकर चला रहा हूँ। सो आई वॉज सो कम्फर्टेबल विद द मशीन। सो अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जैसे लास्ट मेरे को इतना मज़ा आया था चलाने में हार्ले स्ट्रीट रॉड 750, और बिल्कुल वैसी इसकी सिटिंग पोस्चर है, इसको जितना भगाओ उतना ही जम के चलता है। सो ये अनदर थिंग है कि अगर आपका बाइक, आपको कभी लगे कि मेरे बाइक में पावर कम है और इसकी बॉडी के हिसाब से पावर और ज़्यादा हैंडल हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात होती है। बिकॉज हमेशा आपकी बाइक की हैंडलिंग कैपेसिटी पावर की आपकी रियल पावर से ज़्यादा होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें 500cc की मोटर भी डल सकती थी या 650 की भी शायद डल सकती है आने वाले टाइम में। बिकॉज इसकी इतनी स्टेबिलिटी थी, इतनी अच्छे से जम के इसको, इसने सड़क को पकड़ा हुआ था कि यू कुड फील कि मैं और भी ज़्यादा तेज जा सकता हूँ। मैं आराम से 120-125 पे होऊंगा। ऑब्वियसली इसका स्पीडोमीटर बंद है, बट आई कुड सी बिकॉज ये मेरे घर की रोड है, यहाँ पे मैं बहुत बाइक भगाई है, आराम से मैं 120 पर था। और जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। स्लो स्पीड पर आपको जरूर लगता है कि शायद पिकअप और ज़्यादा होती, बिकॉज और इतना ही स्टेबल और जम के चलता है ये, बट हाई स्पीड पर यू फील सो कंफर्टेबल एंड इट्स सो मच एट ईज। अब देखना आगे जाके, थोड़ा सा कट है, मैंने इसको कॉर्नरिंग करने के लिए ट्राई करा, बिकॉज आई रियलाइज कि इसकी सस्पेंशन जैसे सेटअप है ये थोड़ा स्टिफर साइड पर है, बट जो इसके चौड़े टायर हैं वो कोई भी जर्क आपकी बॉडी के अंदर फील नहीं होने देते। सो आई रियलाइज कि स्टिफर टायर है और सिटिंग पोस्चर इतना ज़बरदस्त है, आपके फुटपैक्स ऊपर है, कि दिस इज़ वॉट यू कैन डू विद दिस बाइक सो ईजिली। लेट मी शो यू हेयर। ये कॉर्नरिंग से आप कभी नहीं इमेजिन कर सकते कि मैं एक एनफील्ड को ऐसे कॉर्नर कर रहा हूँ, बिकॉज कभी भी एनफील्ड ऐसे कॉर्नर नहीं होते। एंड दिस इज़ सच अमेजिंग थिंग कि उन्होंने ये पता नहीं क्या माशाल्लाह चीज़ बना दी है। आई हैड सो मच ऑफ फन, इतना ही मज़ा आ रहा था मेरे को, मैं इतना पागल उतर भगा रहा था। एक जो अपने शहर की और अपने घर के पास की सड़कों का कॉन्फिडेंस होता है वो तो वैसे ही अलग लेवल का होता है। यहीं पे मेरा स्कूल था, यहीं पर हम रोज़ आते थे, यहीं पर मतलब आधा बचपन मैंने, आधी जवानी अपनी इन्हीं सड़कों पर काटी है। सो उन रोड्स पर और ऐसी मशीन के साथ जिसके साथ आप इतना कंफर्टेबल और इतना कॉन्फिडेंट फील कर पाओ, ब्रेक्स की बाइट इतनी अच्छी है, 300mm की फ्रंट, इतनी बड़ी ब्रेक है, आप लुक से ही आपको फील हो जाता है यार कि इतनी माचो है। एंड देन द ग्रिप है जो बाइक का और जो कंफर्ट लेवल है वो इतना ज़बरदस्त है, यू फील सो मच अट ईज, इट फील लाइक अ टॉय इन योर हैंड, अ टॉय दैट इज़
दैट हैज़ एन एनफील्ड इंजन एंड एन एनफील्ड फील इज सच अ रेयर कॉम्बिनेशन। सो एक तरफ आपके पास एक बड़ा मज़ेदार बाइक है जिसको आप जैसे मर्जी भगा सकते हो, मेरे को एफ जेड याद आ गया, बट द प्रॉब्लम विद ऑल दो स्मॉल बाइक्स इज कि उनके अंदर वो माचो फील नहीं है जो एक आपको चाहिए कि यार कि मैं बच्चा था मैं बड़ा हो गया, यू वॉन्ट टू हैव दैट माचो फील, वो नहीं थी। और इसके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, तो यू कैन ड्राइव स्पोर्टी, यू कैन ड्राइव रैश। ये बम्पर भी मैंने बड़ी ऊँची जब मारी, उसके बाद मैं खड़े होकर चला रहा था, दिस इज ऑल मी जस्ट बींग हैप्पी एंड एन्जॉइंग। ये थोड़ा सा लूज था, लेफ्ट वाला शीशा थोड़ा टाइट होने वाला ऑब्वियसली। और इसके अंदर विद ऑल दैट फन दैट यू कैन हैव, यू स्टिल गेट दैट माचोनेस। सो ये नहीं है यार कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई KTM लेते हो, सिंपल सी बात है, KTM R15, ऑल दीज बाइक्स आर नॉट बिल्ट फॉर मेन, दे आर बिल्ट फॉर बॉयज, उनकी ब्रांडिंग इमेज ऐसी है। बट इफ़ यू हैव ग्रोन आउट इन लाइफ यू वॉन्ट, बट यू स्टिल वॉन्ट टू हैव फन, जो मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था थंडरबर्ड के बाद, क्या आई वॉन्टेड टू हैव फन, मेरे को ऐसे चला के कॉन्फिडेंट बाइक के साथ चला के बहुत मज़ा आता है, मेरे को हमेशा कंफर्ट और क्रूजिंग नहीं चाहिए। सो वो चीज़ एनफील्ड ने मेरे को देनी बंद कर दी, बट मैं एनफील्ड के अलावा कोई भी बाइक लेना नहीं चाहता था बिकॉज इट वुड हैव बीन फेल्ट अ डाउनग्रेड। सो ये चीज़ अगर होती तो मैं कब से ले लेता। एंड अनदर थिंग दैट आई फील कि एनफील्ड ने ये सबसे सस्ता बाइक बनाया अपना, दिस इज़ द चीपेस्ट ऑफ द लाइनअप, बुलेट स्टैंडर्ड जो किक स्टार्ट वाला है उससे भी ये सस्ता है, बट ये बाइक बिल्कुल भी सस्ता लगता नहीं है। अगर ये 2.5 लाख तक का भी बाइक होता तो भी ये वर्थ होता क्योंकि इतनी अच्छी इंजीनियरिंग इसमें करी हुई है। इट डज़ नॉट फील लाइक अ कॉस्ट कट प्रोडक्ट और इट डज़ नॉट फील लाइक अ कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट, इट फील्स सच अ गुड इंजीनियर मोटरसाइकिल। एंड आई डोंट थिंक कि जो ये एक्सपीरियंस देता है वो आपको कोई भी चीज़ दे सकती है, बिकॉज यजदी रोडस्टर के अंदर भी नो डाउट मज़ा आया, नो डाउट फील थी, नो डाउट कॉन्फिडेंट था, बिकॉज ये जो सेटअप है, ये फॉर्म फैक्टर है, ये इतना ज़बरदस्त है। तभी ट्रायम्फ भी स्क्रैम्बलर सीरीज निकाल रहे हैं, ट्रायम्फ के भी इतने सारे बाइक्स नेकेड यही वाले ज़्यादा बिकते हैं, बिकॉज पीपल फील दैट वी लुक कूल, वी लुक गुड एंड वी हैव अ वेरी निम्बल बाइक ऑल्सो। इसको हम मॉडर्न स्ट्रीट बाइक भी कह सकते हैं बिकॉज इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी लुक के साथ ये स्ट्रीट बाइकिंग के लिए इतने अच्छे बने हुए हैं और ये आपको मैक्सिमम ओवरऑल कम्फर्ट देते हैं, चाहे आप टूरिंग पे जाना हो, चाहे अपने शहर में रेस चलाना हो, जैसे मर्जी चलाना हो। बट किसी भी और कंपनी के बाइक में एक रॉयल इनफील्ड की थंप नहीं है, नॉट इवन ट्रायम्फ, नॉट इवन एनी अदर कंपनी, और वो थंप सिर्फ इसी बाइक में है। सो दिस अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दैट थंप, ऑफ दैट माचो फील एंड सच अ बिग कॉन्फिडेंस to drive a bike like this, so rash, so comfortable, so confident, आपके पैर इतने आराम से लग रहे हैं with such a machine, front इसका जो इन्होंने जो 17 टायर्स दिए हैं और जिस तरह से इन्होंने फ्रंट सारा सेटअप करा है, इतना फीडबैक आपको कभी भी किसी एनफील्ड से नहीं मिलता कि आप फ्रंट अपने बाइक से या बाइक की हैंडलिंग से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल। जैसे गाड़ी में एक स्टेयरिंग कंट्रोल इतना मैटर करता है, बाइक में फ्रंट हैंडल बार का और फ्रंट से आप बाइक को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो वो उसकी हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। So this was my whole review of the motorcycle. I really loved this and it was such a fun experience. I really had so much of fun driving it for 1 hour. I could drive it for so long. So I hope aapko bhi jaake test drive leni chahiye and let me know ki aapko kaisa laga. Thank you. Bye.